हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी फूडी विद मंजू। तो आज हमने बनाए बहुत ही चटपटे से मोमोज और उसके साथ में रेड चटनी। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मोमोज वाली चटनी। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया। इसमें डालेंगे हमें सूखी लाल मिर्च। तो हमने 35 सूखी लाल मिर्च लिए और मिर्च से हमने इसका डंठल अलग कर लिया। और मिर्च के साथ हम डाल लेंगे टमाटर। तो ये हमने 10 टमाटर लिए। टमाटर को हमने ऊपर से कट लगा लिया ताकि जब हम टमाटर छीलें तो आसानी से छिलका अलग हो जाए। तो हम अपने सारे टमाटर डाल लेंगे और एक उबाल लगा लेंगे। तो हमारे टमाटर में एक उबाल आ चुका है, छिलका भी अब अलग होने लगा है। तो हम टमाटर को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो हमने अपने सारे टमाटर बाहर निकाल लिए कढ़ाई से और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिर्च को अभी हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। तो मिर्च भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है, इन्हें भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम बिना लहसुन वाली चटनी बना रहे हैं। आप लहसुन वाली भी बना सकते हो, आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। तो मिर्च और टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो हम टमाटर छील लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से टमाटर से छिलका अलग हो रहा है। इसी तरह से हम अपने सारे टमाटर छील लेंगे। तो हमने अपने सारे टमाटर छीले, अब चलते हैं चटनी बनाने के लिए। तो हम मिक्सी जार में अपनी मिर्च डाल लेंगे। जो लोग लहसुन नहीं खाते वो एक बार इस तरीके से मोमोज वाली चटनी बना कर देखे, काफ़ी टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है खाने और बहुत जल्दी बन भी जाती है। अब हम इसमें डाल लेंगे अपने टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काला नमक, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ये थोड़ी सी हींग, और ढक्कन लगाकर अपनी चटनी को बारीक सा पीस लेंगे। तो देखिए हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है। अब चलते हैं मोमोज के लिए फिलिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए हमने ये पत्ता गोभी लिए। पत्ता गोभी को हमने कद्दूकस कर लिया था और एक गाजर, गाजर को भी हमने कद्दूकस कर लिया और इनसे सारा पानी अलग कर लिया है। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हो। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जीरा और ये अपनी पत्ता गोभी डाल लेंगे। तो हम इसमें भी 2 चम्मच पत्ता गोभी डाल रहे हैं। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक ये स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये थोड़ी सी हींग, और अपने मसाले को हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो हमारे मसाले पक चुके हैं। इसमें डाल लेंगे हम अपनी गाजर और ये बाकी की बची हुई गोभी को भी हम इसमें डाल लेंगे और मसाले में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर अपनी सब्जी को हम पका लेंगे। तो हमने भी सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैगी मसाला और मैगी मसाले को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। हमें अपनी सब्जी को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 5 से 10 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम मोमोज के लिए मैदा गूंथ लेते हैं। तो ये हमने 1 किलो मैदा लिया। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और ये थोड़ा सा सरसों का तेल मोमोज के लिए। इससे हमारे मोमोज और भी क्रिस्पी बनेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मोमोज के लिए डो तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो हमारे मोमोज के लिए डो लगकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेंगे और अपने डो को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो डो को हमने अच्छे से चिकना कर लिया। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिए। तो आधा घंटा हो चुका है और एक बार इसको फिर से गूंथ लेंगे ताकि मोमोज के लिए अच्छे से सेट हो जाए। तो हमारा डो बिल्कुल सेट है मोमोज के लिए। अब चलते हैं मोमोज बनाने के लिए। तो हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो हमने 1 लोई बना ली। इस तरह से हम अपनी सारी लोई बना लेंगे मोमोज के लिए। तो हमने अपनी सारी लोई बना ली है। अब चलते हैं मोमोज बनाने के लिए। इधर हमारी मोमोज के लिए फिलिंग भी बनकर तैयार है। तो
तो हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और एक पतली सी पूड़ी बेल लेंगे। हमें बिल्कुल पतला बेलना है, तो हमने एक पतली सी पूड़ी बेल ली है। अब चलते हैं इसमें फिलिंग भरने के लिए। तो इसमें हम एक चम्मच ये अपनी फिलिंग रख लेंगे गोभी और गाजर की, और इस तरह से इसको दबाते जाएंगे। आप मोमोज को किसी भी शेप में बना सकते हो, हम लंबी वाली शेप में बना रहे हैं। अगर आपको गोल शेप में मोमोज पसंद है तो आप इसे गोल शेप में बना सकते हो। तो देखिए हमारे मोमोज की शेप कितनी परफेक्ट आई। इसी तरह से हम अपने सारे मोमोज बना लेंगे। तो हमने अपने कुछ मोमोज बना लिए, अब चलते हैं स्टीम करने के लिए। तो इधर हमने ये मोमोज वाली मशीन में पानी गर्म कर लिया है, और इसमें हम एक एक करके अपने सारे मोमोज रख लेंगे। और 10 मिनट के लिए अपने मोमोज को हम पकने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार हम अपने मोमोज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे मोमोज कितने अच्छे बने हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हो अगर आपको फ्राई खाने, या आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हो। ये दोनों तरीके से अच्छे लगते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के मोमोज बना लेंगे। तो ये हमारी मोमोज की प्लेट बनकर तैयार है। तो ये मोमोज वाली रेड चटनी और ये व्हाइट सॉस, ये भी हमने घर पर बनाई है, और ये फ्राइड मोमोज और ये स्टीम मोमोज। तो देखिए कितने अच्छे बने। तो आप बेकर इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारी मोमोज की रेसिपी कैसी लगी।